ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार आइए, सीए फाइनल रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी भी देख लेते। सर सर सबसे पहली बात, आई होप एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रे कि आपने जो मैंने अभी 1 आवर में पूरा सर सारे अमेंडमेंट का जो रिवीजन लेक्चर डाला है वो देख लिया है, क्योंकि सर मान के रखिएगा लगभग 15 से 20 मार्क के एग्जाम में क्वेश्चन सर उसमें से बनेंगे, मेरे को ऐसा गट फीलिंग है बच्चों। क्लियर? सो केवल 1 आवर में सारे अमेंडमेंट कवर है एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स वो भी मैंने बोले एंड सर आई होप आपको मजा भी आया होगा, नो डाउट। सर सर सारे अमेंडमेंट कवर किए पर सर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सर उसमें मैंने अमेंडमेंट नोट्स भी आपके लिए अपलोड किए। आइए सरकार आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर भी देख लेते बच्चों। अच्छा आरटीपी के कई सारे क्वेश्चंस आपने नो डाउट कर लिए होंगे बेटा, पर दो तीन पॉइंट्स इसके बड़े अच्छे हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, जहां उनको डाउट आ रहा था, इसलिए मैं पूरा आरटीपी का सॉल्यूशन भी आपके लिए यहां अपलोड कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कम वक्त में हम करेंगे पर जल्दी कर लेंगे और पूरा करेंगे आरटीपी को बेटा। ओके ध्यान इधर बच्चों आपका। ओके सरकार रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ द इंस्टीट्यूट सर May 24 एग्जाम्स के लिए जो इंस्टीट्यूट ने आपका रिवीजन टेस्ट पेपर अपलोड किया है, देखते हैं सर ध्यान से। दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे इसके बेटा। फर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बेटा, धैर्य लिमिटेड इंडिया अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ केरला इज एंगेज इन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है सर, धैर्य इनकॉर्पोरेशन सैन फ्रांसिस्को USA is a subsidiary of Dhairya Limited India and is engaged in supply of information technology services to customers in USA beta. Okay, USA mein iski ek subsidiary company beta sir jo services wahan provide karti beta, theek hai. Dhairya Limited India has undertaken following transactions during the month of April mein isne ye kaam kiye hai. Okay sir, ek bar sir जब भी बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों सर डायरेक्ट पॉइंट शुरू नहीं करने का, हमेशा मैंने जैसे आपको लेक्चर में बताया बेटा आप एंड में आके देखिए आखिर इसको जीवन में हमसे चाहिए क्या बेटा। सर लास्ट के नोट्स देखिए बेटा आप। फर्स्ट सबसे पहली बात, रेट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टू बी 9% and 18% रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेर एवर एप्लीकेबल, देन ऑल अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है साहब। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड of Dhairya India Limited is zero. Assume that there is no other outward and inward supply apart from the aforesaid transactions in the month of April and May. April और मई महीने में इनके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है और सर ऊपर वाले केस के बेस पे अपने को फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के आंसर देने बेटा अपने को। ओके सर चलिए बच्चों देखते हैं एक एक पॉइंट और पढ़ते सर मस्त हो गए। सरकार सबसे पहली बात, द इसके ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखे अप्रैल महीने के बेटा। ओके सप्लाइड लार्ज पेपर रोल्स टू फोर्ड माउंट स्कूल बेंगलुरु, बेटा इसने पेपर रोल सप्लाई किए किसको, स्कूल को, बेंगलुरु के स्कूल को बेटा कर्नाटका, फॉर प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है साहब, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने के लिए इसने पेपर सप्लाई किया। एज डायरेक्टेड बाय द स्कूल धैर्य लिमिटेड डिलीवर्ड द पेपर रोल्स एट अ प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन त्रिवेंद्रम केरला। ओके सरकार स्कूल ने बोला कि इन पेपर को आप डायरेक्ट डिलीवर कर दो कहां पर, सर जो त्रिवेंद्रम केरला में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पे बेटा, मतलब B2C सप्लाई सर बिल टू शिफ्ट बेटा, हाँ है ना भाई, और बिल टू शिफ्ट के केस में हमारे कस्टमर कौन, हमारे कस्टमर बेंगलोर वाले, क्लियर। तो सर हमने तो बेंगलोर को सप्लाई किया, बेंगलोर कहाँ है बेटा, कर्नाटका, हमारा ऑफिस कहाँ है बच्चा, वी आर लोकेटेड इन केरला, तो सर केरला से कर्नाटका गुड्स जा रही है बेटा, एक तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई किया कर्नाटका, इसलिए हमारे लिए क्या इंटर स्टेट क्या लगेगा बच्चा इसमें, IGST। अच्छा सेकंड थिंग बच्चों, सर जैसा मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है इसने गुड्स बेचा है, सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज दी होती तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, पेपर सप्लाई किया वो एग्जम्प्ट नहीं होता बेटा, ठीक है। तो सर 18% इस पर क्या लगेगा बेटा, IGST। चलिए सर, बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर रिसाइडिंग इन केरला इटसेल्फ ऑफ धैर्य लिमिटेड सिंस ही हैड लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, सर बॉन्ड अमाउंट जब रिकवर करते हैं, हमने सर्कुलर पढ़ा हुआ है क्या, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कंसिडरेशन ही नहीं माना जाएगा, ये पेनल्टी का अमाउंट है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। फिर सप्लाइड स्टील शीट्स इन द टेरिटरियल वाटर्स ऑफ ध्रुवांक बिल्डर्स, ओके सर सॉरी सर ध्रुवांक बिल्डर्स को आपने टेरिटरियल वाटर्स में गुड सप्लाई किया है, ओके मालिक, सर अब ये टेरिटरियल वाटर कहां पर लोकेटेड बेटा, टेरिटरियल वाटर में कहां लोकेटेड बेटा, located at a distance of 12 nautical miles from the baseline of Kerala,
एंड 15 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ तमिलनाडु. तो नियरेस्ट बेस लाइन कहाँ से बच्चा? केरला से बेटा. और केरला से अगर नियरेस्ट बेस लाइन है तो केरला ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. एंड सर हम भी केरला के, ये भी प्लेस ऑफ सप्लाई भी केरला, तो क्या लगेगा भाई? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 99% ईच. रिसीव्ड एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कस्टमर बेस्ड इन केरला. ओके सर, केरला का कस्टमर भाई, उसे गुड्स के रेस्पेक्ट में एडवांस रिसीव हुआ है. तो आपको पता है गुड्स के रेस्पेक्ट में एडवांस अगर रिसीव होता है तो उस पर जीएसटी नहीं पे करना होता है. पर सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में कहीं आपको रूल नंबर 42 और 43 के पर्पस के लिए कोई प्रोपोर्शनल रिवर्सल की बात आ रही है, तो टोटल टर्नओवर ऐड करते वक्त ये टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा. क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा, क्योंकि एडवांस अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में रिसीव होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया बेटा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर? तो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, पर उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एज पर नोटिफिकेशन 66 ऑफ 2017, इसलिए टैक्स पे नहीं करना है. पर ये सप्लाई के स्कोप में आ गया, टर्नओवर का पार्ट बनेगा बेटा. रिसीव्ड एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ कस्टमर बेस्ड इन केरला. भाई सर्विसेज के इसमें तो जीएसटी लगता है, और केरला के केरला में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 99% ईच. कंप्यूटर used for business purposes and on which no ITC has been taken yet. Okay, sir, business purpose के लिए काम में लिया है, जिस पे ITC आपने नहीं लिया, सरकार is given free of cost to unrelated person based in Kerala. और आपको पता है क्या Schedule 1 Para 1 बोलता है क्या? Permanent transfer or disposal of the asset of the business, sir, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होता है अगर उसके परचेस पे आपने आईटीसी लिया तो. आईटीसी नहीं लिया, सप्लाई के स्कोप नहीं आएगा. अच्छा, रिलेटेड पर्सन को दिया होता इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी सप्लाई के स्कोप आता, पर इसने बोल दिया कि हम तो कौन है बेटा, अनरिलेटेड पर्सन, इसलिए सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं. जब सप्लाई नहीं तो टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनता बेटा. ये परचेज 2 years बैक एट द प्राइस ऑफ ₹112,100 इंक्लूडिंग जीएसटी, ओपन मार्केट वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं साहब हमको इससे. आइए, धैर्य लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सर आई होप अभी आपकी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ गई होगी बेटा, क्योंकि आपने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करी होगी उसके बेस पर आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ी होगी. सर ये एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की. सर द कंपनी पेड सिटिंग फी ऑफ ₹6 lakh टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेस्ड एट कोचिन केरला फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स. तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब एम्प्लॉय नहीं है बेटा, एम्प्लॉय नहीं मतलब यहाँ जीएसटी लगेगा, हम भी केरला के, सप्लायर भी केरला का बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, प्लस इसमें लायबिलिटी आरसीएम की आएगी, प्लस इसमें आईटीसी भी मिलेगा बच्चा आपको. हाँ है ना भाई? चलिए, रूम चार्जेस ऑफ ₹2,25,000 पेड टू हिलवुड्स होटल लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर स्टे ऑफ द सीईओ ऑफ द कंपनी ऑन अ बिजनेस ट्रिप. भाई वो बिजनेस ट्रिप पे जाए या कहीं भी जाए, मुंबई महाराष्ट्र में रुका है तो होटल वाले ने सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया होगा मुंबई का बेटा, महाराष्ट्र का. सर जिसका हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा बच्चों. हाँ ना भाई? डन. The company availed the services of an arbitral tribunal in Cochin, Kerala to settle a business dispute and paid ₹7 lakh. तो सर arbitral tribunal को services का fees आपने pay किया है, legal services का. यहाँ पे सर ये कहाँ पर है? केरला. हम भी कहाँ है? केरला. इंटरेस्ट सप्लाई है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. सर इसमें आरसीएम भी लगेगा, प्लस इसका आपको आईटीसी भी मिलेगा, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड सर्विस थी बेटा आपकी. अब सैलरी ऑफ ₹15 lakh वाज पेड टू एम्प्लॉय ऑन पेरोल. कोई रोल नहीं बेटा इसका, ये सप्लाई ही नहीं है, न टर्नओवर का पार्ट बनेगा, न जीएसटी पे करना है. द कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी फ्रॉम अ डीलर बेस्ड इन कोचिन केरला फॉर ₹12 lakh. डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन द सेम इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस. भाई साहब आपने जीएसटी वाले पोर्शन का भी डेप्रिसिएशन ले लिया तो आईटीसी की बात नहीं आती है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3. आइए, इन द मंथ ऑफ मे Dell Limited sent a team of 25 employees to San Francisco for receiving the training in emerging information technologies. Wow! अपने employee को out of India भेजा training के लिए बेटा. फिर the training was given by Dell Incorporation USA at its office located in San Francisco. The expenses relating to such training were paid by Dell Limited to धैर्य इनकॉर्पोरेशन यूएसए. ओके सर आपने एक्सपेंसेस का अमाउंट भी पे किया है. कुल मिला के सरकार आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी होगी बेटा, और इंडियन कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी बेटा. क्लियर? अब सर ध्यान देना बेटा, अगर आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज इंडिया में ली है बेटा, क्लियर, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहलाती है बेटा? सर तीन कंडीशन देना देना बेटा.
सर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया का होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए, तब जाके वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाती है बेटा। यहां पे ट्रेनिंग दिया है, अरे क्लियर? और ध्यान देना बच्चों, जहां पे सर्विस, अच्छा पहली बात तो 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, सेक्शन 13 ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा। और जहां पे सर्विस प्रोवाइडर नीड्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज, तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करिए वही क्या होता है बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फिजिकल सर प्रेजेंस रिक्वायर्ड था टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, इसलिए वहां एम्प्लॉय को भेजा इसने। तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर्विसेज कहां परफॉर्म करी? यूएसए ऑफिस में परफॉर्म करी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? आउटसाइड इंडिया है, इसलिए सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया। अब भली रेसिपी इंडिया का हो, ये इंपोर्ट नहीं है, और इंपोर्ट नहीं मतलब नो जीएसटी इज पेबल ऑन दिस सर्विस। बात खत्म बेटा, क्लियर माहौल? आई थिंक मजा आया सर। सरकार फर्दर, धूम इवेंट्स लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड एट कर्नाटक, हेड ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल इवेंट इन द मंथ ऑफ मे फॉर धैर्य लिमिटेड इन दुबई। धैर्य लिमिटेड पेड अ सम ऑफ रुपीज 10 lakh टू धूम इवेंट्स लिमिटेड फॉर द सेम। अच्छा देना, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट की सर्विसेज बच्चा, क्लियर? जब दोनों पर्सन इंडिया के बेटा, ये भी कर्नाटक का, हम भी केरला के बेटा, तो ऐसे केस में सेक्शन में 12 लगेगा। और सर सेक्शन में 12 सब सेक्शन 7 बोलता है क्या? सर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इवेंट भली दुबई में हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, वी डोंट केयर। रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म बच्चा। तो सर रेसिपिएंट का है केरला, तो केरला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस केस में सप्लायर कहां का बेटा? कर्नाटक का, तो कर्नाटक से हमने सर्विसेज ली एंड पीओएस विल बी केरला। पीओएस केरला मतलब सप्लायर कर्नाटक का, रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? केरला। इंटरेस्ट सप्लाई क्या लगेगा? आईजीएस लगेगा, और इसका हमको आईटीसी भी मिलेगा। पर ध्यान, ये मई महीने का बेटा, अप्रैल महीने का अलग होगा, मई का अलग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा बेटा अपने से। ओके डन सर, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बिलो। ओके फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय धैर्य लिमिटेड डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई, इनमें से सप्लाई कौन सा नहीं है? फर्स्ट, सप्लाई ऑफ स्टील शीट्स इन टेटल वाटर्स बेटा। सर ये सप्लाई किसको माता बच्चा, हमने बात करी थी बेटा। कंप्यूटर बींग यूज फॉर बिजनेस पर्पज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अनरिलेटेड पर्सन, ये सप्लाई किसको में नहीं आता? हमने देखो ऊपर देखा बेटा, ये रहा कंप्यूटर्स का है बेटा, ये रहा कंप्यूटर्स, ये सप्लाई किसको में नहीं आता। तो सर एक तो पॉइंट ये, मतलब हम टिक करते थे इसको बेटा, ये सप्लाई किसको में नहीं आता। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? सप्लाई ऑफ पेपर रोल्स फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू फोर्ड माउंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सप्लाई है बेटा, सप्लाई किसको में आता है? हमसे पूछा क्या? सप्लाई किसको में क्या नहीं आता है? फिर फोर्थ, रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी सप्लाई किसको में नहीं आएगा। सो आंसर है क्या? 2 and 4। सो सर 2 and 4 दिया था ए में, आप बन गए, हम क्या बन गए? करोड़पति बच्चा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय धैर्य लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, कौन से महीने में? अप्रैल महीने में बेटा। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट राइटर, यस आरसीएम लगेगा। ओके सेकंड, एक सेकंड है बेटा। ओके ओके देखना, अरे डिस्चार्ज हो गया आईपैड। ओके सर अपन पढ़ते क्या कि इनमें से कौन सी सप्लाईज रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी बेटा? विच ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय धैर्य लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर फर्स्ट, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट राइटर, यस सर रिवर्स चार्ज लगेगा। सेकंड, अकोमोडेशन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम हिलवुड्स होटल, नो। फिर सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यस। न्यू मशीनरी परचेज फ्रॉम डीलर बेस्ड इन कोचीन, सर मशीन परचेज करने पे रिवर्स चार्ज नहीं है। सैलरी पे टू एम्प्लॉयज ऑन रोल, ना 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 हो पाएगा, क्लियर? तो ऐसे केस में चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर 1 and 3। सो सर डी इज द करेक्ट आंसर, हम बन गए क्या? करोड़पति बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, क्या लिखा बेटा? कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज बिफोर सेटिंग ऑफ ऑफ आईटीसी बेटा, मतलब बिफोर आईटीसी अप्रैल महीने का, कौन से महीने का? अप्रैल महीने का टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई निकालना है, आरसीएम की लायबिलिटी ऐड नहीं करनी बेटा, क्लियर? ध्यान देना, टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बिफोर सेटिंग ऑफ ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है सर? आइए क्वेश्चन देख लेते बेटा, आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी बेटा। सबसे पहली बात सर, आपने पेपर रोल सप्लाई किया,
अप्रैल महीने में, यस अच्छा अप्रैल महीने की लाइफ भी निकालनी बेटा अपने को, तो 15 लाख इंटू 18% देखिए सर कितना आता है, चलिए 15 लाख इंटू 18% कितना है मालिक, 270 आईजीएसटी बेटा, यह है क्या आईजीएसटी, ठीक है सर ओके। फिर सेकंड पे सप्लाई ही नहीं आए, थर्ड पे सर सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सर यहां मैं लिख देता हूं क्या सीजीएसटी, और जितना सी का लाइबिलिटी आएगा उतना एस का आएगा बेटा, तो सी का लाइबिलिटी बेटा 6 लाख इंटू 9% ऑब्वियसली 54,000 बेटा ओके, 54,000 सीजीएसटी का आएगा उतना ही हम एस में लिख देंगे बेटा बाद में। फिर सर गुड्स अगेंस्ट में सप्लाई की लाइबिलिटी आती नहीं बेटा, यहां पर 4,90,000, 4,90,000, 4,90,000 इंटू 9% कितना हो मालिक 44,100, 44,100 सी और एस की लाइबिलिटी बेटा। फिर कंप्यूटर पे कोई एडिशन नहीं हटाओ, फिर ये आरसीएम की लाइबिलिटी बेटा हमें मतलब अभी नहीं है बेटा, फिर रूम चार्जेस का क्रेडिट नहीं मिलता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आरसीएम की लाइबिलिटी हमें आउटपुट सप्लाई पे लाइबिलिटी निकालना बच्चे, फिर सैलरी पे मतलब नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम के लिए आईटीसी वाला पॉइंट हटाओ, फिर ये आउट ऑफ इंडिया वाली सर्विस जो आपने ली है उसमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, खत्म। ये वाला देख लो आप, हाँ ये तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस परचेस करी बेटा, इसका आपको आईटीसी मिलेगा ठीक है, इनवर्ड सप्लाई हो गया तो बेटा बस खत्म। तो आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी बेटा कितने ही बच्चे 54,000 प्लस 44,100 कितना आ गया बच्चे 98,100 सीजीएसटी, 98,100 एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 2,70,000 इज द लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 98,100 × 270 is the IGST, B is the correct answer, भारत माता की जय। सरकार आइए क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द टोटल आईटीसी एडमिसिबल टू देयर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में कितना आईटीसी अवेलेबल है वो देखना है बेटा अपने को, क्लियर सर। आइए अब आईटीसी के लिए इनवर्स सप्लाई बेटा, चलिए ये आपका आउटवर्ड सप्लाई था, ये हटाओ ये हटाओ, एडवांस रिसीव हटाओ, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी, ये रहा। सबसे पहले क्या है, ये भी सप्लाई हटा दिया सर, डायरेक्टर को जो आपने सिटिंग फीस पे किया है कितना 6 लाख, इस पे सी और एस की रिवर्स की लाइबिलिटी, इसका आईटीसी आपको मिलेगा बेटा, तो 6 लाख इंटू 9% कितना हुआ 54,000, तो यहां मैं लिख रहा हूं सी जीएसटी का आईटीसी बेटा, जो सी का होगा वही आई का भी होगा बेटा, वही एस का भी होगा बेटा, तो सी जीएसटी 54,000 आगे ऐड करेंगे और देखते हैं। फिर यहां पे लिखा हमने आईटीसी बेटा सी और एस का, सर आरसीएम में 7 लाख इंटू 9% कितना हुआ भाई 63,000 का आईटीसी सीजीएसटी, 63 का एसजीएसटी भी आएगा आईटीसी। फिर हमने ऑलरेडी क्रॉस मार्क किया हुआ है, आइए फिर क्रॉस मार्क किया है, ये रहा सर यहाँ पे धूम धूम, क्लियर धूम मचाले इवेंट, ठीक है सर यहाँ पे ये मई महीने का है भाई, मई महीने का, क्लियर आईटीसी मिलेगा पर कौन से महीने मिलेगा बेटा, मई महीने मिलेगा, तो अभी आईटीसी नहीं मिल रहा बस खत्म। चलिए सर 54,000 प्लस 63,000 कितना होता है 117,000 सीजीएसटी, 117,000 एसजीएसटी आपको आईटीसी मिलेगा। देखते हैं बच्चों सर हम बने कि नहीं बने करोड़पति बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 4, सीजीएसटी 117, एसजीएसटी 117, आईजीएसटी नील, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब आई होप समझ में आ रहा बच्चों, देखिए मालिक क्वेश्चन नंबर 5, सर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एन ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय धूम इवेंट्स लिमिटेड, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल यस फॉर धैर्य लिमिटेड इन दुबई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केस, भाई दुबई में इवेंट ऑर्गेनाइज करो या हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों पर्सन इंडिया के हैं इसलिए जहां इवेंट हो रहा है दैट इज सर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो रेसिपिएंट कहां है सर, सर केरला, केरला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई, सर जीएसटी इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6, How shall the amount paid towards training expenses of employees of Dhairya Limited be treated under GST law? Sir, हम already बात कर चुके हैं क्या? अगर training expense है, तो training expense जो होगा, sir, वो import of service के scope में नहीं आएगा। अब import of service के scope में नहीं है, तो वो supply ही नहीं है। और supply अगर नहीं है, supply अगर नहीं है, तो GST की liability भी नहीं आएगी। Clear? Done. देखिए बच्चों ध्यान से। सरकार, अब यहाँ पर ए पॉइंट देखिए बेटा, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दी ट्रांजेक्शन सिंस ट्रेनिंग वॉज इंपॉर्टेंट इन सैन फ्रांसिस्को दैट इज प्लेस आउटसाइड इंडिया, हाँ है ना भाई, ये सही लग रहा है मेरे को बेटा, हाँ है ना, इसमें लिखा जीएसटी इज एप्लीकेबल हटा, धैर्य इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन हटा सर, चलिए
रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? नहीं बेटा, क्लियर, ए इज द करेक्ट आंसर, भारत माता की जय। सर क्वेश्चन खत्म होता है अब, आई होप मजा आया बेटा आपको, ठीक है। आइए केस सिनेरियो नंबर टू। अल्फा कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इज एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ, इज एंगेज इन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू इट्स हेड ऑफिस रजिस्टर्ड इन राजस्थान, द कंपनी हैज ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स। सर कोई बात नहीं, सर इन एडिशन टू इट्स हेड ऑफिस रजिस्टर्ड इन राजस्थान, इन एडिशन टू इट्स हेड ऑफिस रजिस्टर्ड इन राजस्थान, द कंपनी हैज ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स वेयर इट इज ऑपरेटिंग एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ओके सर, इसने अदर स्टेट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन वहां ले रखा है बेटा। ओके सर, राजस्थान में तो रजिस्टर्ड है ये बेटा, अदर स्टेट में भी रजिस्टर्ड बेटा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर अंडरटेकन बेटा, सर जनवरी महीने में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन उन्होंने अंडरटेक किया बेटा। अच्छा एक बार आइए, अल्टीमेटली अपने करना क्या वो देख लीजिए, सो देट आपका स्पीड बनता जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बेटा। सर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स। ओके सर यहां लिखा गया, बेस्ट ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 to 11 बिलो बेटा, मतलब एमसीक्यू बेस आंसर देना बेटा आपको, डिस्क्रिप्टिव बेस आंसर नहीं है इसके, ठीक है। सर यह क्या लिखा हुआ पढ़ो बेटा, ऑल द अमाउंट्स गिवन इन द सिनेरियो आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है मालिक। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ अल्फा कार्गो प्राइवेट लिमिटेड फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड इज निल, जीएसटी इज पेबल वेर एवर एप्लीकेबल ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजेक्शन इन द अफोरसेड केस सिनेरियो एट द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्या लिखा होगा रेट अलग तो वो देखेंगे, वरना इंट्रा पे 9 और इंटर पे 18 आईजीएसटी बच्चों। हाँ या ना भाई, चलिए ये भी देख लेते बेटा। इन द मंथ ऑफ फरवरी राजस्थान ऑफिस ऑफ द कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेज अवेलेबल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स और इंटरेस्ट, ये टैक्स माइनर हेड हो गया, इंटरेस्ट माइनर हेड हो गया बेटा, ये तीनों मेजर हेड हो गए, इतना कैश बैलेंस है, ये कैश लेजर बेटा, कैश लेजर क्रेडिट नहीं है बेटा। ओके चलिए सर देखते हैं अब हम कि भारत माता की जय, इस क्वेश्चन से क्या क्या पूछा है, एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ो बेटा इसके ध्यान से, ठीक है साहब। देखिए मालिक, सर क्या लिखा है पे, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इसने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी बता रखा है बेटा ये, ठीक है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर अंडरटेकन बाय इट, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा बच्चों ध्यान देना बेटा, अगर आपने ट्रांसपोर्ट गुड्स की सर्विस दी किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या होता है बेटा ये टैक्सेबल सर्विस होती है बच्चा, ठीक है। रेवेन्यू सर आगे देखना बेटा, पहली बात तो ये कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा। अब अगर जीटीए वाली सर्विस है बच्चा ये, क्लियर, अगर इसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया होगा तो ये लायबल होगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होंगे। तो आगे क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, वैसे मुझे पता है तो बताता हूं आपको, इसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है। हम पढ़ेंगे आगे बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज provided to Dhoop Garments registered in Rajasthan for transport of goods to Japan is 18 lakh 10,000 बच्चा। देख भाई तू आउट ऑफ इंडिया लेके जा या कहीं भी लेके जा, सर उससे मतलब नहीं है, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात ही खत्म बच्चे। हाँ है ना भाई, क्लियर। सर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, अगर दोनों पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्लियर, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है सॉरी, तो ऐसे केस में सर जहां से गुड्स उठाया है कहां से डिलीवर किया है कोई मतलब नहीं बेटा, क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सो ये टैक्सेबल होगा। रेसिपिएंट कहां का बेटा, राजस्थान का है बच्चे। हाँ है ना भाई, क्लियर डन। तो ये भी राजस्थान का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा अगर क्वेश्चन पूछता है अपने को तो बेटा। फिर द कंपनी पेड रेंट टू लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर इट्स ऑफिसेज लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स एज मेंशन बिलो बेटा, राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात। The invoice was issued by local municipal authority in these states to offices of the company located in respective state. तो respective state वालों को respective local state authority ने local municipal authority ने क्या किया बच्चे, bill issue किया। और आपको पता है क्या, renting of immovable property by central government, state government, union territory or local authority to a registered person के केस में tax लगता है, वो भी RCM में लगता है और respective sir हर state में जब tax pay किया होगा तो ध्यान देना बेटा, respective state government state में जो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी होगा वो सप्लायर है, और रेंटिंग ऑफ इमोबिलिटी के केस में प्रॉपर्टी का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, इसलिए हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है। तो राजस्थान वाली प्रॉपर्टी के लिए सीओएस राजस्थान का,
महाराष्ट्र में सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी बेटा, हाँ ना भाई, और रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज पे करेगा बेटा ये सर, कुल मिलाकर टैक्स वाला बेटा ये। आइए पॉइंट नंबर फोर, देर आर फाइव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बहुत अच्छा बेटा, इन दी कंपनी ऑल बेस्ड इन राजस्थान, सीओरएस लगेगा बेटा, एंड सिटिंग फीस पे टू ईच सच डायरेक्टर ड्यूरिंग द मंथ इज रुपीज 25,000 फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी बेटा। तो सर ध्यान देना बच्चों, पांच डायरेक्टर बेटा, तो 1,25,000 रुपए आपको आरसी में टैक्स पे करना पड़ेगा, क्लियर, वो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ दीज डायरेक्टर्स मिस्टर एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एन एलएलपी एंड एन, वापस पढ़ना बेटा, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो पार्टनर इन द एबीसी एलएलपी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन दिल्ली बेटा, ठीक है। हमारा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो एक एबीसी एलएलपी में पार्टनर भी है बेटा, दिल्ली की फॉर्म है बेटा। एबीसी एलएलपी प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विसेज टू द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ बेटा, ठीक है। द एलएलपी हैज इश्यूड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन हेड ऑफिस इन द मंथ ऑफ जनवरी बेटा। ओके सर, ये हम सब बात करें कि कौन से महीने की, जनवरी महीने की। जनवरी महीने में इसने क्या किया बेटा, 1,50,000 का बिल लिखा बेटा, सप्लायर दिल्ली का, रेसिपिएंट कहां का है सर, राजस्थान का। इसने बिल पे क्या लगा होगा बच्चा, आईजीएसटी और आईजीएसटी लगा के बिल दिया होगा, और ये हमारे लिए इनवर्ट सप्लाई है, हमने अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया होगा तो हमें आईटीसी भी मिलेगा बेटा। अनदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर जेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द अल्फा कार्गो प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड पर्सनल गारंटी और रुपीज 1 crore टू धनधन बैंक ऑन फॉर लोन टेकन बाय द कंपनी। मैं आपको ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं, मेन लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं, और अभी रिवीजन लेक्चर जो मैंने पढ़ाया उसमें बताया था मैंने कि इसका क्वेश्चन आना चाहिए। और सर ध्यान देना, पर्सनल गारंटी अगर दी किसी डायरेक्टर ने तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी, वैल्यू शेल बी डीम्ड टू बी नील, और यहाँ पे पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी बेटा, हाँ ना भाई। सर डन, आइए, ही हैज नॉट चार्ज एनी कमीशन और ब्रोकरेज फॉर द सेम, वो चार्ज कर भी नहीं सकता बेटा। सर नाउ द कंपनी ऑप्टेंड सर्विसेज ऑफ मिस्टर वाई बेस्ड इन राजस्थान हु इज प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज फॉर पेमेंट ऑफ एनुअल रोड टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट फॉर द व्हीकल्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंपनी बेटा, ठीक है सर। जो कंपनी के व्हीकल्स है उसका रोड टैक्स जो पे करना होता है, एनुअल रोड टैक्स, उसके लिए हमारा एजेंट कौन है, मिस्टर वाई। मिस्टर वाय इशूड एन इन्वॉइस अमाउंटिंग टू रुपीज 10 lakh ऑन द हेड ऑफिस जो राजस्थान में है, सच अमाउंट इंक्लूड ₹1,09,50,000 इज अमाउंट ऑफ रोल टैक्स पेड ऑन एक्चुअल बेसिस एंड इज इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इन्वॉइस एंड ₹50,000 इज फ्री ऑफ मिस्टर वाई फॉर द सेड सर्विस। तो ऑब्वियसली 9,50,000 जो आपको पे किया है वो एज अ प्योर एजेंट पे किया है, प्योर एजेंट की सारी कंडीशन पूरी करता है, इसलिए वैल्यू केवल कितना बेटा 50,000, और इस भी जीएसटी लगेगा बेटा, सीजीएसटी और एजीएसटी बेटा। आइए, द कंपनी ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 lakh फॉर एन इवेंट रिलेटेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एज स्पॉन्सरशिप अमाउंट। और आपको पता है बेटा क्या सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर आपने ली है, क्लियर, तो सर्विस रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होता है तो ऐसे केस में टैक्स लगता है, वो भी आरसी में लगता है। अब हमने स्पॉन्सरशिप का अमाउंट पे किया, मतलब वी आर द रेसिपिएंट। अब आप देखो, हम बॉडी कॉर्पोरेट एक नहीं है, अल्फा कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वी आर कंपनी, वी आर बॉडी कॉर्पोरेट, और यहां जीएसटी लगेगा, वो भी आरसी में लगेगा बच्चा, क्लियर डन। पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, द कंपनी हु इज रजिस्टर्ड एज अ जीटीए हैज ऑप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा तो सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसको मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए, ये फरवरी महीने में कैश रिजर्व जो बैलेंस है वो दे रखा बेटा, ओके माहौल खत्म। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन अगर रेट ऑफ टैक्स अलग से दे रखा तो वो देखना है, नहीं तो इंट्रा पे 99, इंटर पे 18, ठीक है सर। आइए, एमसीक्यू नंबर 1 देखते बेटा, इस केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बिफोर सेटिंग ऑफ द आईटीसी बाय द कंपनी इंक्लूडिंग जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर ऑल इट्स लोकेशंस इज, मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पेबल कितना है इंक्लूडिंग आरसीएम वाली लायबिलिटी बेटा बिफोर यूटिलाइजिंग द आईटीसी बेटा, ठीक है। चलिए निकाल लेते बेटा, अभी हम चुटकियों में सर निकलेगा अभी, सरकार रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन 70 लिखा बेटा। तो सर अब देखना बेटा,
सिंस इसने भी ये नहीं दे रखा है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन हमारे विद इन द स्टेट थे कि कहाँ थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अलग अलग नहीं पूछा होगा बेटा, क्लियर। एक बार आप ऐसे केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए कि सर क्वेश्चन ने क्या पूछा है बेटा आपने को। देखिए देखिए डायरेक्ट अमाउंट दे रखा बच्चा यहाँ पे, क्लियर। कौन सा सही अभी हम देखते बेटा, मतलब इसने इस क्वेश्चन ने हमको सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अलग अलग नहीं निकालना बेटा अपने को, ठीक है। चलिए सर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, भले सी और एस हो या आई हो, 18% मल्टीप्लाई करके लाइव भी निकाल रहे हैं बेटा अभी हम, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन कहां लोकेटेड वो तो दिया ही नहीं बेटा इसने, इसलिए मेरे को पता पड़ा कि हिंट लगा मेरे को कि सी और एस और आई का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं होगा इस क्वेश्चन में बेटा। आइए 70 लेख पर सर 18% 70 लेख पर मल्टीप्लाई बाय 18% कितना था बच्चा 12,60,000 बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं 12,60,000 प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू धूप गारमेंट्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू जापान 18,10,000, कोई मतलब नहीं बेटा जापान हो या कहीं भी हो, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी टैक्स वाले बेटा ये 18% सॉरी सर 3,25,800, हाँ है ना भाई। फिर द कंपनी पेड रेंट टू लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर इट्स ऑफिसेस लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स एज मेंशन बिलो बेटा। अच्छा देंद्र बेटा अपने से क्या पूछा बेटा इसने, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बिफोर सेटिंग ऑफ ऑफ आईटीसी बाय द कंपनी इंक्लूडिंग जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर ऑल इट्स लोकेशन बेटा, मतलब केवल राजस्थान का नहीं निकलना बेटा, ठीक है। तो सर ये आरसीएम की लाइब्रेरी आएगी बेटा अपने को, ठीक है। अब आरसीएम की लाइब्रेरी आएगी, इन सब पे आएगी, अब अपने को सीओरएस अलग अलग निकालना तो है नहीं बेटा, ना स्टेट वाइज निकालना, टोटल लाइब्रेरी निकालनी बेटा अपने को। तो क्या करने का फटाफट, एमसीक्यूज में टाइम जितना कम लगेगा उतना अच्छा बेटा अपने लिए, इन सबको ऐड कर दो बेटा एक साथ, क्लियर। 1,90,000 आता बेटा है ना, ये दोनों 1,90,000 इंटू 18% बताइए कितना होता है, 1,90,000 इंटू 18% कितना हो गया 34,200, 34,200 आपकी लाइब्रेरी में ऐड कर दो बच्चा यहाँ पे, ये आरसीएम की लाइब्रेरी बच्चे, ठीक है। फिर सर यहाँ पे पांच इंडिपेंडेंट राइटर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1,25,000 पे 18% कैलकुलेट करिए सर 22,500। अच्छा यहाँ पे आरसीएम लिख दो बेटा, अगर मान लो अगले क्वेश्चन में कहीं आरसीएम लिखा होगा तो अपने ध्यान रहेगा बेटा। फिर सर 1,50,000 की अपने सर्विसेज ली है, ठीक है, जनवरी में आपने पे किया है तो वो तो इनवर्स सप्लाई है, उसका आईटीसी आपको मिलेगा, रिवर्स है नहीं बेटा इसमें। फिर पर्सनल गारंटी पे जीएसटी है ही नहीं बच्चे, ओके। फिर हाँ जी ये एजेंट ने हमसे फीस चार्ज करी है, ये तो नॉर्मल एजेंट है बेटा, नॉर्मल एजेंट ने नॉर्मल टैक्स लगाया होगा, वो हमारा इनवर्स सप्लाई है, आरसीएम नहीं है बेटा इसमें। फिर सर ये स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे आपको आरसीएम पे करना है, 5,00,000 का 18% सरकार 90,000 रुपये आएगा बेटा, ये लीजिए सर 90,000 भी ऐड कर दो आपकी लाइब्रेरी में बच्चों, ये आपका नॉर्मल आउट आरसीएम है बच्चा, क्लियर। इनवर्स सप्लाई आरसीएम पे लाइब्रेरी आई बेटा आपकी, ये इसका आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपको, बस खत्म। तो सर अमाउंट बताइए कितना हुआ बेटा सरकार, सॉरी 12,60,000 जल्दी से, प्लस 3,25,800 प्लस 34,200 सॉरी 34,200 प्लस 22,500 प्लस 90,000 सरकार कितना आया है, 1,732,500 1,732,500 1,732,500 का है, ये रहा सर। और ये हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सर कंपनी एज अ होल का बेटा, ठीक है। चलिए सरकार अब इन फेब्रुअरी आफ्टर पेइंग ऑल इट्स ड्यूज फॉर द मंथ राजस्थान ऑफिस वॉन्ट्स टू ट्रांसफर सर्टन अमाउंट यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी PMT09 फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ उड़ीसा ऑफिस इट वॉन्ट्स टू ट्रांसफर। बच्चा सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा, हमने पढ़ा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, कंफ्यूज हुए बेटा, इसलिए ध्यान देना बेटा इस पॉइंट पे। सरकार आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से किसी भी दूसरे मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो विद इन द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, पर अगर आपको डिस्टिंक्ट पर्सन को भी फंड ट्रांसफर करना है, यस बिल्कुल आप कर सकते हो, पर ध्यान देना हमने पढ़ा है सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और
आईजीएसटी के किसी भी मेजर हेड के सॉरी सीजीएसटी और आईजीएसटी के मेजर हेड में किसी भी माइनर हेड में अगर फंड है तो आप सामने वाली जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको आप सीजीएसटी और आईजीएसटी में फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं बच्चों। पर ध्यान रखना सर, सी और आई का ही फंड ट्रांसफर हो सकता है, एसजीएसटी का फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है बेटा अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ो, इट वॉन्ट्स टू ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स माइनर हेड अंडर आईजीएसटी मेजर हेड अमाउंटिंग रुपीज 12,000 एज टैक्स अंडर सीजीएसटी, ये कर सकता है बेटा ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। रुपीज 12,000 टू टैक्स अंडर एसजीएसटी हेड, देखिए बेटा आईजीएसटी में आपके पास टैक्स में 25,000 रुपए बेटा, ठीक है, ये ज्यादा क्या 12,000 तो सीजीएसटी टैक्स में डाल दे और 12,000 एसजीएसटी टैक्स में डाल दे, पर सर डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करते वक्त आप सी और एस सी और आई में ही फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ये चाहता है क्या कि मैं सीजीएसटी में फंड ट्रांसफर कर दूं एज अ टैक्स, कर सकता है, मैं एसजीएसटी हेड में एज अ टैक्स फंड ट्रांसफर करूं, ये नहीं हो पाएगा बेटा, क्लियर, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना तो सी और आई में ही ट्रांसफर हो सकता है, तो 12,000 तो हो जाएगा बच्चा। सेकेंड, फ्रॉम इंटरेस्ट माइनर हेड, तो किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से फंड ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आई और सी का ही फंड ट्रांसफर हो सकता है, आई और सी में सामने वाले के बेटा। इंटरेस्ट अंडर द माइनर अंडर द मेजर हेड ऑफ सीजीएसटी 3,000 इज इंटरेस्ट अंडर आईजीएसटी हेड, बिल्कुल सही चलेगा सर। एसजीएसटी रुपीज 3,000 टू इंटरेस्ट अंडर आईजीएसटी बेटा, एसजीएसटी का भी फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो सर ये हो सकता है बड़ी उड़ीसा ऑफिस को बेटा। बैलेंस अंडर ऑल द हेड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व ऑफ ओडिशा ऑफिस इज निल एट द टाइम, मतलब ओडिशा ऑफिस में बैलेंस नहीं था, जहां से ट्रांसफर करना है कहां से राजस्थान से वहां तो बैलेंस था बेटा, ठीक है। द बैलेंस ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व ऑफ ओडिशा ऑफिस एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व ऑफ राजस्थान ऑफिस विल बी ओके। सर मतलब फंड ट्रांसफर करने के बाद ओडिशा ऑफिस के सर रेस्पेक्टिव हेड में कितना बैलेंस होगा एंड राजस्थान के रेस्पेक्टिव मेजर हेड में कितना फंड बैलेंस बचेगा वो हमको देखना है बेटा, ठीक है। तो सर टैक्स में उड़ीसा के टैक्स में कितना बैलेंस जाएगा बेटा और राजस्थान के इंटरेस्ट में कितना बैलेंस बचेगा वो देखना है बेटा अपने को, क्लियर सर। बैलेंस कितना बचेगा, पहले हम उड़ीसा के टैक्स में कितना ज्यादा बचा या देखिए बेटा, सर हमको 12,000 ट्रांसफर कर पाएंगे हम सीजीएसटी हेड में बेटा, तो सर ध्यान देना हमको पहले निकालना क्या ओडिशा ऑफिस में कितना बैलेंस रहेगा हमको पहले निकालो बेटा, ठीक है। तो उड़ीसा के सीजीएसटी में टैक्स में जाएगा 12,000 बेटा, क्लियर। हमसे पूछा है क्या टैक्स में कितना बैलेंस होगा उड़ीसा में बेटा, तो टैक्स में केवल और केवल सीजीएसटी में जा रहा है 12,000, इधर तो जा रहा है एज ए इंटरेस्ट बेटा, क्लियर। तो सर टैक्स में सिक्वेंस रखना है आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा, तो सर आईजीएसटी टैक्स में बैलेंस होगा 0, एसजीएसटी हेड में कितना होगा 0 और सी में आप जा रहे हो कितना 12,000, ये आंसर हो गया उड़ीसा के लिए बेटा। अब बैलेंस बचेगा इंटरेस्ट हेड में आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी अंडर राजस्थान बेटा, तो सर राजस्थान से जब हमने फंड ट्रांसफर किया तो ऑलरेडी बैलेंस कितना बेटा, देखिए ध्यान से राजस्थान में ऑलरेडी ये बैलेंस है बेटा सी एस और आई का बेटा, ठीक है। अब आपने कौन सा फंड ट्रांसफर किया बेटा, ये वाला अलाउड है केवल ए वाला बेटा, सी का 3,000 का जो इंटरेस्ट था वो आपने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, उड़ीसा के आईजीएसटी वाले इंटरेस्ट में बेटा, तो राजस्थान के इंटरेस्ट वाले माइनर हेड में सी एस और आई में क्या क्या बैलेंस रहेगा बेटा अपना, तो सरकार सी के 3,000 का इंटरेस्ट वाले कुल मिला के बेटा, तो सी का इंटरेस्ट 3,000 वो हो जाएगा निल, बाकी बैलेंस एज इट इज रह जाएगा बच्चा, तो 2,000 आईजीएसटी ये निल और 3,000 एसजीएसटी बेटा, तो सरकार आई में कितना था बेटा 2,000 ना बच्चा, 2,000 आईजीएसटी इंटरेस्ट वाला हेड में कितना बच जाएगा 2,000, ये है निल और ये है 3,000, क्लियर। देख लीजिए बेटा सर कहां पे आ रहा है ये आंसर, ये रहा ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। बन गए हम क्या करोड़पति, क्योंकि सर टैक्स उड़ीसा वाले में निल 12,000 एंड निल, ये रहा निल 12,000 निल, और राजस्थान के इंटरेस्ट वाले हेड में कितना बचेगा 2,000 निल और 3,000, 2,000 निल और 3,000 आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली, भारत माता की जय। दिस वाज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, ध्यान देना।
क्लियर? ये पहली बार पूछा है कभी एग्जाम में या आरटीपी में बेटा, ध्यान रखिए बच्चा इसका। और इस इसकी वजह से आपके शायद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा बच्चा। आओ मालिक, क्वेश्चन नंबर 9। सर ध्यान देना, टोटल अमाउंट पेबल टू मिस्टर वाई इंक्लूडिंग जीएसटी एज एप्लीकेबल इज, मतलब वाई को कितना अमाउंट पे करना है इंक्लूडिंग जीएसटी। चलिए वाई वाला पॉइंट क्या है, पहली बात तो वाई वाला पॉइंट क्या है वो याद नहीं होगा शायद अपने को। कहां गया मिस्टर वाई, ये रहा भाई साहब, वाई को 950,000 तो पे करना है एज ए प्योर एजेंट, 50,000 पे सी प्लस एस बी पे करना है बेटा आपको। क्लियर? तो सर रेट ऑफ टैक्स कितना बचा अपना 99%, मतलब 18% बेटा। क्लियर? तो सर ध्यान दीजिए, 50,000 पे लगेगा 18%, तो 50,000 इंटू 18% कितना हुआ बेटा 9,000। तो सर 10,09,000 पे करना होगा बेटा, कितना बेटा 10,09,000। क्लियर? समझे मेरी बात? चलिए देखिए ध्यान से आंसर क्या है बेटा इसका। सर डी, 10,09,000 आपको पे करना है टू दी मिस्टर वाई, क्योंकि 9,000 ही टैक्स लगेगा बच्चा इसके अंदर। अरे ठीक है सर, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल आईटीसी अवेलेबल टू दी कंपनी एट दी पैन इंडिया लेवल इज, क्या सर कितना आईटीसी अवेलेबल है? देखिए ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखे ऑप्शन, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी वगैरह भी अलग अलग दे रखा है, मतलब आप आईटीसी कैलकुलेट करते वक्त सी एस और आई अलग अलग कैलकुलेट करना। ओके चलिए सरकार, पैन इंडिया लेवल बेटा, ब्रांच वाइज नहीं देखना है, पैन इंडिया लेवल पर सी में कितना बैलेंस होगा, एस में कितना, आई में कितना बेटा आईटीसी। आइए मालिक, ये रहा सबसे पहली बात तो ये कि सर ये आपका आउटवर्ड सप्लाई बेटा, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई बेटा, फिर ये रहा सर ये आपका इनवर्ड सप्लाई, जहां पे आपने टैक्स पे किया अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सुनो बच्चों ध्यान से, हमने ऑलरेडी यहां पर सर 34,200 कैलकुलेट किया हुआ है एज अ आरसीएम की लाइबिलिटी बेटा, पर वहां पे हमने सी और एस को अलग अलग नहीं किया था, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा। क्लियर? तो सर जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए 17,100 ये सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी लिखता था बेटा मैं, 17,100 एस जीएसटी का आईटीसी बेटा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिलेगा बेटा आपको। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारे के सारे कहा के बेटा राजस्थान के, और हम भी कहा का राजस्थान का। क्लियर? सी और एस लगेगा 1,25,000 पे बेटा सर, तो 1,25,000 पे हमने आरसीएम की लाइब्रेरी तो ऐड कर दी बेटा, ऊपर लिख दी, ठीक है यही कर देते वापस हम। 1,25,000 इंटू 9% कितना हुआ 11,250 सी और एस का आईटीसी बेटा। फिर सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी दिल्ली की बेटा, दिल्ली ने राजस्थान में सर्विस दी बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी हमको मिलेगा 1,50,000 इंटू 18% कितना हो गया 27,000 का आईटीसी बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी बच्चे। ठीक है सर, यहाँ पे पर्सनल गारंटी के केस में वैल्यू नहीं ले बेटा, बात खत्म बच्चा। फिर मिस्टर वाई को 50,000 आपने जो टैक्स पे किया है, 50,000 रुपए का जो वैल्यू, उसमें 9,000 रुपए जो टैक्स पे किया था बेटा, उसमें सी ओ एस, मतलब 4,500 सी ओ एस होगा बच्चा। ठीक है ना, ये फायदा होता है पहले से लिखने का सी ओ एस है कि आई है बेटा। फिर सर इवेंट, सॉरी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया होगा। क्लियर? सर सर्विस सप्लायर कहां का बेटा, देखो ध्यान से, द कंपनी ऑल्सो पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख फॉर एन इवेंट रिलेटेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एज स्पॉन्सरशिप अमाउंट बेटा। अब सर सर्विस सप्लायर कौन है जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है बेटा, अब वो कुछ नहीं दिया तो मान लो प्रेजम्प्शन लो कि राजस्थान में होगा बेटा वो भी। ठीक है, राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन क्या होता है, तो हम ये मानेंगे राजस्थान का ही बेटा। एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 5 लाख पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, 45,000 आपने 90,000 रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया था बेटा, ये आईटीसी मिल गया बेटा। ये देखो बेटा, ये 90,000 आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया, इसका आपने आईटीसी भी ले लिया बच्चा। क्लियर सर? आइए बच्चों, बस खत्म। ओहो मजा आ गया, कर लीजिए टोटल बेटा, ये तो हो गया 27,000 बेटा। चलिए 17,100 प्लस 11,250 प्लस 4,500 प्लस 45,000 कितना हो मालिक 77,850 एंड 27,000 बेटा। सर हम थे क्वेश्चन नंबर 10th पर 77,850 एंड आईजीएसटी 27,000, और सर 10th का आंसर है सी, भारत माता की जय। आइए बच्चों, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय मिस्टर जेड टू
धनधन बैंक सरकार देन बेटा ये सप्लाई किसके ऊपर नहीं आएगा, क्लियर? ऑल दो रिलेटेड पर्सन है बेटा, रिलेटेड पर्सन है, डायरेक्टर ने पर्सन गारंटी दी, रिलेटेड पर्सन है, सप्लाई किसके ऊपर आता है, पर यहाँ पे वैल्यू शुड बी डीम्ड टू बी नील, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू नील मानते बेटा इसमें, तो सर बी इज द करेक्ट आंसर, पढ़ लीजिए बेटा, सप्लाई तो है क्योंकि रिलेटेड पर्सन है बेटा, पर जीएसटी पे नहीं करना बेटा, नील, बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर टू द कंपनी इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन अंडर शेड्यूल नंबर वन, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन है। हाउएवर सिंस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस नो कंसिडरेशन कैन बी पेड टू द डायरेक्टर बाय द कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी, इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, नील है, इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी आएगी, नील, वैल्यू कितना होगा, नील, क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये क्वेश्चन खत्म होता है, अब सर ये इंडिपेंडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये केस स्टडी बेस एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, मिस पार्वती वाह एन इंडियन रेसिडेंट हु वॉज ऑन अ विजिट टू यूएस, हु वॉज ऑन अ विजिट टू यूएस रिटर्न आफ्टर वन ईयर, ओहो ज्वेलरी, जैसे आफ्टर वन ईयर बोलते हैं मेरे दिमाग में ज्वेलरी आता है बेटा, 40 ग्राम्स और वन लेक विच एवर इज लोअर बेटा, फॉर कंटेस्टिंग इन असेंबली इलेक्शन ऑफ आर स्टेट बेटा, यूएसए से इंडिया में वापस आ गई इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बेटा, बहुत बढ़िया। शी वॉज कैरिंग विद हर द फॉलोइंग आइटम्स, पर्सनल इफेक्ट, नो जीएसटी। अच्छा एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया बेटा, हमसे पूछा है क्या, कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय मिस पार्वती विद रेफरेंस टू द बैगेज रूल्स, इग्नोर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस बेटा, ठीक है, पर्सनल इफेक्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, सिंस इलेक्शन कंटेस्ट करना है ये बेचा, तो सर मेजर तो ही है बेटा 18 ईयर से अबव है, क्लियर, लैपटॉप कंप्यूटर पे कोई जीएसटी कोई कस्टम नहीं लगता बेटा, एक लैपटॉप कंप्यूटर फ्री अलाउड है बेटा विदाउट कस्टम। ज्वेलरी 25 ग्राम परचेज इन यूएसए रुपीज 67,000 बेटा, तो 1 लेख और 40 ग्राम्स विच एवर इज लोअर, तो सर 40 ग्राम के अंदर अंदर बेटा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्लियर सर, 1 लेख और 40 ग्राम विच एवर इज लोअर दोनों कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि मोर देन 1 ईयर बाहर रही बेटा। म्यूजिक सिस्टम बजाते रहो, और सर 125,000 का ये ले आए, तो 125,000 में से जनरल एग्जामिनेशन कितना बेटा 50,000 का वो लेस किया, बचा कितना 75,000 का, अब 75,000 पे 38.5%, क्योंकि 35% बैगेज का कस्टमिटी और उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर सर, बताइए सर आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका, सर 28,875 इज द करेक्ट आंसर, भारत माता की जय। आई होप समझ में आया, आई होप आपका आंसर आया, सर आंसर है क्या, ए सरकार। आइए बच्चों सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइए सीताराम सर, आई थिंक अभी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन चालू हो गया बेटा, आपने देख लो बेटा एंड में, यस, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ एंड मिनिमम नेट जीएसटी पेएबल इन कैश सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी एस डी केस में भी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23, प्रोवाइड ब्रीफ रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम बेटा, अपने को नेट जीएसटी पेएबल इन कैश निकालना है, आईटीसी कितना है वो निकालना है, मतलब कुल मिला के पूरा ये 14 मार्क का क्वेश्चन था ना, उस तरह से दिया बेटा। आइए एक बार पहले हम देखते ओपनिंग पैराग्राफ में लिख क्या लिखा बेटा, सीताराम इंडस्ट्री लिमिटेड अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स बेटा, ओके सर, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है बेटा ये, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज प्रोवाइडेड बाय इट बेटा, अक्टूबर महीने की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, ओके सर, आउटवर्ड सप्लाईज सोल्ड इन ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका टू अ रिटेल जायंट इन द सेम स्टेट बेटा, सरकार ध्यान देना बेटा, ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग बेची है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग बिजनेस की बिल्डिंग है बेटा ये, क्लियर, सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, पर फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 इसको एग्जम सप्लाई मानते हैं, क्लियर, और रूल नंबर 42 43 के पर्पस के लिए जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर ये जो ए पॉइंट है बेटा सर, इसके लास्ट में एक वर्किंग नोट दे रखा है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग स्टैंप ड्यूटी वाज पेड ऑन रुपीज 32 लाख, तो जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी उसको वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई बोलेंगे बेटा, ठीक है, तो कोई जीएसटी पे नहीं करना बेटा इस पे, और 32 लाख इज द एग्जम सप्लाई, और एग्जम सप्लाई में एग्जम टर्नओवर में भी इंक्लूड होगा और टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ 42-43 अगर आगे काम आएगा तो। सप्लाइड 30 लैपटॉप ओवर द काउंटर टू मिस्टर सुधाकर एन अनरजिस्टर्ड बायर हु टुक
इट टू हिज रेजिडेंस इन हरियाणा बेटा. अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचा है इस बार प्लेस ऑफ सप्लाई में, हमने पढ़ा है बेटा क्या अमेंडमेंट हुआ है. और सर सेक्शन नंबर 12 में, सर सॉरी सेक्शन नंबर 10 जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें एक क्लोज एड करके बोला क्या, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और उसका स्टेट का नाम भी लिख दिया आपने तो मान लेंगे रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है और रेसिपिएंट का स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर? ऐसा ही कुछ किया इसने बेटा, देखो ध्यान से. इनवॉइस इश्यूड टू हिम मेंशंस ओनली हिज नेम एंड स्टेट, चलेगा सब. हाउएवर हिज कंप्लीट एड्रेस ऑफ हरियाणा इज मिसिंग इन इनवॉइस, चलेगा. हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर? हम कहा बेटा कर्नाटक, रेसिपिएंट का है सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया हरियाणा. इंटरस्टेट सप्लाई क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा बेटा इस पे. स्पेशल बॉक्सेस फॉर पैकिंग ऑफ द लैपटॉप, सर स्पेशल बॉक्स काम आए तो सर स्पेशल पैकिंग हो या नॉर्मल पैकिंग हो, सर वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है, कंपोज सप्लाई का पार्ट बनेगा. और ऐसे केस में हम ही मानेंगे कि एज इफ वैल्यू सप्लाई कितना है 13,30,000, 13,30,000 इज द वैल्यू, जिस पे क्या लगेगा भाई आईजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी बेटा. ओके डन. और लैपटॉप की रेट से टैक्स लगेगा, पैकिंग बॉक्स का रेट क्या हमें मतलब नहीं है. प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू कुमकुम बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटक, सर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में रिवर्स आ सकता है अगर सर्विस सप्लायर इज एन इंडिविजुअल. सर यहां पे कौन है, सीताराम इंडस्ट्री लिमिटेड, खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सरकार यहां पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में खुद को टैक्स पे करना बेटा. ये कर्नाटक का है, बैंक भी का है, कर्नाटक का है, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद की. प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इन मुंबई महाराष्ट्र अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रिनोवेशन वर्क फॉर अ क्लाइंट रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र बेटा. सर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का नया कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं प्योर लेबर बेस पे तो जीएसटी एग्जम था, ये टैक्सेबल होगा. और टैक्सेबल होगा तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है. प्रॉपर्टी कहां है बेटा, महाराष्ट्र में है बेटा. क्लियर? अब महाराष्ट्र में अगर प्रॉपर्टी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया, सप्लायर कहां का, कर्नाटक का, यहां पे आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी. सप्लायर कर्नाटक, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा बच्चा. देन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन अ रिसोर्ट इन पुडुचेरी टू इट्स एजेंट्स, ओके, बेस्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बेटा. कंपनी के प्रोडक्ट को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए उसके लिए इसने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी एजेंट्स को बेटा. ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड सर्विस इज 1 लाख. वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी इज 120. पहली बात तो ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी है, देन देना बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने सर्विसेज दी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन तो ऐसे केस में सप्लाई केस के ऊपर आता है. सर सोल सेलिंग एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है बेटा तो वो रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आता है, तो नॉर्मल एजेंट है बेटा. और नॉर्मल एजेंट मतलब ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने सर्विसेज दी किसी भी पर्सन को तो सप्लाई के स्कोप में आता ही नहीं है. सप्लाई के स्कोप में नहीं आता तो जीएसटी भी नहीं लगता. क्लियर? सप्लाई ही नहीं है बेटा, ये इसको एग्जाम सप्लाई नहीं बोलेंगे, सप्लाई ही नहीं है बेटा. इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू क्या दे रखा है कोई मतलब नहीं बेटा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी फ्रॉम सुलक्षण बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटक. सर इंटरेस्ट क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42-43 इसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करेंगे. हाँ टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे बेटा. ओके चलिए सर. Received a debit note in respect of inward intra-state taxable supplies received in the financial year 2021 for the quantity difference as agreed. ठीक है सर, these inward supplies were used for all the goods manufactured in the factory. Date of debit note is 16th October बचा. Okay, 16 अक्टूबर का debit note है, पर सर inward supply actually थी 21 की, कोई मतलब नहीं बेटा. सर जिस मंथ में डेबिट नोट इश्यू किया है उस मंथ में या उसके बाद आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा. ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस कब इशू हुआ उससे कोई कंसर्न नहीं है. क्लियर? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट बोलती है क्या, डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेना है तो डेबिट नोट जब इशू हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में या उसके बाद 30th नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट बेटा. उसका ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस कब इशू हुआ उससे मतलब नहीं है. क्लियर? तो ऐसे केस में भाइयों हम बात करें कौन सा महीने की बेटा, अक्टूबर 23 की बात करें बेटा हम, तो अक्टूबर 23 में इसका आईटीसी मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात
नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ सी और एस का आईटीसी आपको मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए सर, सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बी यूज इन द फैक्ट्री, इंटरेस्टेड बेटा। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे आरटीपी ने सॉल्यूशन जो दिया थोड़ा सा मेरा गला नहीं उतरता बेटा, थोड़ा मुझे डिस्प्यूट लगता है, पर जो आईसीए ने आंसर दिया वही फॉलो करें एग्जाम्स के लिए भी बेटा। आप तो सर सोलर पैनल को इन्होंने माना है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर प्लांट और मशीनरी के लिए काम आया तो बेटा। और सोलर पैनल अपने आप में अलग चीज है बेटा, वो प्लांट और मशीनरी जो प्रोडक्शन में काम आती है उसका पार्ट नहीं है, इसलिए आईसीए ने आंसर दिया कि दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, इरेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी गुड्स और सर्विस काम नहीं तो ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, इसलिए इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप भी यही मान के चलिएगा बेटा, ओके। चलिए सर, फिर परचेस्ड एम्प्लॉय यूनिफॉर्म फॉर 1000 एम्प्लॉइज, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब आईजीएसटी बेटा। यूनिफॉर्म वर्थ रुपीज 3 लाख वर नेसेसरी टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स वाइल कैरिंग आउट द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बेटा, क्लियर। रिमेनिंग यूनिफॉर्म वर्थ रुपीज 4 लाख वर समटाइम्स वोन बाय द एम्प्लॉइज आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर पर्सनल पर्पज ओनली बेटा। तो ये मानेंगे कि 7 लाख में से 3 लाख पे जो आपने जीएसटी पे क्या होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, 4 लाख को मानेंगे क्या पर्सनल पर्पज में काम है, उस यूनिफॉर्म का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते बेटा, द कंपनी प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ रुपीज, कंपनी ने प्रोवाइड करी बेटा कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ रुपीज 2 करोड़ टू लक्ष्मी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इट्स रिलेटेड कंसर्न हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। हम कहा गए बेटा भाइयों, हम भी कहा के कर्नाटका के, इसका रिलेटेड पर्सन भी कहा है कर्नाटका में, फॉर लोन अवेल्ड बाय द लेटर फ्रॉम जनार्दन बैंक लिमिटेड कर्नाटका। और कॉर्पोरेट गारंटी के केस में मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए आएगा, जैसे इसमें पूछा है बेटा। कॉर्पोरेट गारंटी के केस में 1% ऑफ द गारंटी गिवन और एक्चुअल कमीशन रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर, एक्चुअल कमीशन कुछ दे नहीं रखा है तो मानेंगे 2 लाख इज द वैल्यू सप्लाई बीइंग 1% ऑफ 2 करोड़ बेटा, ठीक है। सी और एस की लायबिलिटी आएगी बेटा इस पे। देन द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट क्लेम एनी आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट रिसीव्ड फॉर द रीजन दैट ओरिजिनल परचेज रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स, ये जो डेबिट नोट है बेटा उसके बारे में बात करा बेटा, ये द ओरिजिनल परचेज रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स फॉर विच आईटीसी क्लेम एलिजिबिलिटी वॉज ओवर। तो सर ये अकाउंटेंट जो ना बेटा, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना बेटा वो, क्लियर। और सर अकाउंटेंट को नॉलेज तो है पर पूरा नहीं बेटा, और यहां बोला है क्या अमेंडमेंट ऑलरेडी हो गया बेटा, ऑलरेडी कब से अमेंडमेंट हुआ, और बोल दिया क्या सर ओरिजिनल इनवॉइस कब का इशू हुआ उससे मतलब नहीं है, डेबिट नोट कब इशू हुआ उससे ही मतलब है बेटा, इसलिए इससे मतलब नहीं है बेटा, हम तो आईटीसी लेंगे बेटा। रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9% and 18% रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेशल पैकिंग बॉक्सेज एज एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी वॉज 6, 6, 12%। पर सर स्पेशल पैकिंग बॉक्स भी मेन सप्लाई का पार्ट बनेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का पार्ट बनेगा, इसलिए स्पेशल रेट जो उसकी देर की बॉक्स की कोई मतलब नहीं है। सर टोटल जो ये 13,30,000 रुपये था बेटा ये वाला, इसे पूरा 18% जीएसटी लगेगा बेटा। सर बात खत्म, बॉक्स पे रेट क्या हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंपोजिट सप्लाई और मेन गुड्स का जो रेट है वो क्लास उसी में क्लासिफाई करके उसी के रेट लगाएंगे बेटा, क्लियर। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, क्लियर। बस क्वेश्चन कितना बेटा, टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल है और नेट जीएसटी पेएबल इन कैश कितना है वो निकालना बेटा। आई होप सर इसके सारे हमने जो इंडिविजुअल पॉइंट पढ़े सर ये आपको समझ में आया बेटा। बस अब इस क्वेश्चन को सर आप हर एक पॉइंट को कंपाइल करके आपने सॉल्व कर भी दिया होगा बेटा, बस मैं ओरली बताता हूँ कहाँ गलती होने के चांस है। सबसे पहली बात सर आप कितना आईटीसी मिल रहा है बेटा, भले वो आरसीएम की लायबिलिटी हो, भले वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपने टैक्स पे किया हो, आईटीसी का कैलकुलेशन आप सी एस और आई के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा बेटा। प्लस क्योंकि इसने क्वेश्चन ने पूछा क्या सी एस और आई का लायबिलिटी कितना है वो निकालो बेटा, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अलग अलग कैलकुलेशन करना है बेटा, ओके। सर पहली बात तो ये आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है, सेकंड बात मालिक सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी का आईटीसी और आईजीएसटी का आईटीसी हमने पॉइंट वाइज देख लिया बेटा, फिर आप लायबिलिटी कैलकुलेट करना बेटा। अब टोटल लायबिलिटी आपकी निकलेगी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेटा, इसको पे करने के लिए आप आईटीसी यूज करेंगे। पर इस क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर रूल नंबर 42 का रोल प्ले होगा, रूल नंबर 42 में क्या होता है एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू सर एक मिनट एग्जाम सप्लाई पावर सेवर का है, चलो छोड़ो सर एग्जाम सप्लाई क्या बोला सर एग्जाम सप्लाई एक सेकंड ना बेटा
एग्जिम सप्लाई डिवाइड बाय, अरे ई अपॉन एफ याद है बेटा सर, एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी बेटा, ठीक है। तो एग्जिम टर्नओवर में सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा बेटा 32 लाख का बेटा, जिस वैल्यू पे आपने एस्टिम ड्यूटी पे करी, पर इंटरेस्ट ऑल्दो एग्जिम्ड पर एग्जिम में काउंट नहीं करना, पर टोटल टर्नओवर में काउंट होगा बेटा ये, ओके। और फिर आप क्या करिएगा, वो आईटीसी का प्रोपोर्शन आप क्या करिएगा, रिवर्स करिएगा, नेट आईटीसी जो आएगा उसको यूज करेंगे लायबिलिटी के लिए, तो आपका नेट टैक्स पेबल इन कैश आ जाएगा। आई होप ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए, आपको इजिली हो जाएगा बेटा ये, क्लियर। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते बेटा हम। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आरटीपी का मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन भी है बेटा ये, क्लियर। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लस माइनस में क्वेश्चन बनना चाहिए। आइए, फॉर्च्यून 365 इज एन ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएई। सर आउट ऑफ इंडिया से अगर आप इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहे हो तो सेक्शन में 14A अट्रैक्ट होता है बेटा यहाँ पे। सर इनको सर सेक्शन में 24 हमने पढ़ लिया बेटा, रिवीजन लेक्चर जो मैंने पढ़ाया बेटा आपको अभी अमेंडमेंट का, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, क्लियर। रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, टैक्स पे करने पड़ेंगे, भले रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो नहीं हो उसका कंसर्न नहीं है, टैक्स इनको पे करना है बेटा, पढ़ना। इट प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स अ प्लेटफॉर्म टू प्ले एंड विन मनी इन डिफरेंट गेम्स, ठीक है साहब। सर ये क्या करेंगे सर, डिफरेंट गेम्स प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है बेटा, दैट आर अवेलेबल ऑन इट्स पोर्टल बेटा। आइए मालिक, ठीक है सर, अभी लैपटॉप बार बार बंद नहीं होगा, ओके। सर इन द मंथ ऑफ दिसंबर प्लेयर ए एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में बेटा, लोकेटेड इन इंडिया डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन द मास्टर वॉलेट अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ फॉर्च्यून 365, ओके। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर अंडरटेकन बाय प्लेयर ए इन द सेड मंथ बेटा, पहली बात तो ये आउट ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है फॉर्च्यून 365, ये ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है बेटा। सर रूल नंबर 31B बोलता है क्या, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू सप्लाई, बात खत्म और उस पर लग जाएगा क्या जीएसटी, सिंस ये इंक्लूसिव जीएसटी है बेटा तो क्या मान लेंगे 10,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, सबसे पहला जीएसटी तो इस 10,000 पे लगा दो बेटा, 10,000 डिवाइड बाय, अच्छा रेट ऑफ टैक्स इज 28% बेटा, तो 10,000 डिवाइड बाय 128 इनटू 28 सर 2187.5, ये आपका जीएसटी सर हो गया किस पर, ऑनलाइन मनी गेमिंग पे। और आपको पता है बेटा क्या, किसी भी ट्रांजेक्शन पर अगर टैक्स लगता है वो अगर सर वो पॉइंट्स मेरा डेसिमल मारा तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2188 कर देना आप राउंड ऑफ करके बेटा, ट्रांजेक्शन वाइज देखते बेटा हमेशा टैक्स का अमाउंट 2188 टैक्स का अमाउंट हो गया बेटा। तो एक तरह से देखा जाए तो 10,000 में से जैसे 10,000 जमा कराए 2188 तो सरकार ले गई बेटा। नाउ फॉरेन ट्रांजेक्शन बेटा, प्लेयर ए यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,000 फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टुवर्ड्स प्लेइंग इन, ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा है, दिखने में इजी दिख रहा है पर अच्छा पॉइंट है इसके अंदर बेटा। प्लेयर ए यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,000 फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टुवर्ड्स प्लेइंग अ वर्चुअल रेसिंग गेम ऑन द पोर्टल एंड एज अ विनिंग अमाउंट 10,000 वॉज क्रेडिटेड इन द मास्टर वॉलेट ऑफ प्लेयर ए, मतलब 2,000 रुपए का इसने गेम खेला जीत गए, 10,000 रुपए आ गए बेटा वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए बेटा इसके, ओके। तो सर एक काम करो बेटा, एक्चुअली बाद में अपने को पूछा है बेटा क्या क्या, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन प्रोवाइडिंग ब्रीफ रीजंस बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अच्छा एक बार यहाँ पे भी दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इज 28%, इग्नोर द बाइफरकेशन ऑफ सी जीएसटी इनटू सी एस और आई बेटा, ठीक है सर हम 28% टैक्स निकालेंगे बेटा, ओके। कंप्यूट द टोटल जीएसटी पेबल ऑन द अफोरसेड गिवन ट्रांजेक्शंस बेटा, ठीक है। डिटरमाइन द नेट जीएसटी नेट अमाउंट ट्रांसफर बाय प्लेयर ए टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोरसेड ट्रांजेक्शन, सारे कारनामे कर दिए फिर जितने पैसे बच गए उसने अपने बैंक में ट्रांसफर किया तो कितना अमाउंट बचा होगा, कितना ट्रांसफर किया, दैट इज द पॉइंट। Ascertain whether Fortune 365 is required to obtain registration under GST in India. Yes, compulsory registration beta iska. Will your answer be different if player A is registered under GST? No, hamara answer koi change nahi hoga beta. Sir, wo OIDR service ke case mein change hota tha beta. Jahan pe recipient agar GST mein registered hai,
तो उसको टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोलते हैं, वहां रिवर्स चार्ज में वो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। पर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे तो रेसिपिएंट भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, सर ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपलसरीली, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हमने देख लिया बेटा। आइए कितना जीएसटी पे करना है और कितना लास्ट में पैसे बचे और कितना ट्रांसफर किया इसने। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम यहां हिसाब करते जाते बेटा। 10,000 रुपए इसने सबसे पहले जमा कराया बेटा, उसमें से 2188 ये रहा जीएसटी का अमाउंट बेटा, ये गवर्नमेंट लगे बेटा, लिखते जाओ साथ में जीएसटी। फिर इसमें से 2,000 रुपए का उसने गेम खेला बेटा, क्लियर। अच्छा पूरे 10,000 रुपए वैसे ही जीएसटी लग गया, तो 2,000 का जो गेम खेला उसमें जीएसटी ऑलरेडी लग गया बेटा। अच्छा फिर 10,000 रुपए जीता बेटा है, तो 10,000 रुपए इसके अमाउंट में वापस क्या होंगे बेटा, डिपॉजिट हो गए होंगे बेटा। और आपको पता है बेटा, जब कोई अमाउंट आप जीतते हो और वो अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है वापस से बेटा, तो उसको ये नहीं मानते कि आपने अमाउंट जमा कराया है, उस पर अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनली जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था उस पर जीएसटी लगाना था बेटा, पर ये जब अमाउंट जीत गए और वो अमाउंट आपके क्रेडिट में आपके वॉलेट में वापस क्रेडिट किया गया, तो इस पर वापस से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या हुआ बेटा, ऑन अनदर पोर्टल ऑपरेटेड बाय फॉर्च्यून 365 इन द नेम ऑफ बेट 180। ओहो हो सर, एक और पोर्टल है बेट 180 सर, विच इज ऑपरेटेड बाय फॉर्च्यून 365 ओनली बेटा। प्लेयर ए प्लेस्ड अ बेट ऑफ फेस वैल्यू ₹11,000 ऑन एन इंटरनेशनल रेसलिंग मैच बेटा, इंटरनेशनल रेसलिंग मैच हो रहा था, भारत माता की जय, क्लियर सर। उस पर इसने 11,000 रुपए का बेट खेला बेटा, जुआ खेला, सट्टा खेला, देना बेटा। सट्टा खेलना इज नॉट ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टा खेलना इज नॉट कैसीनो, चिप्स कॉइन्स नहीं खरीदे बेटा आपने, 11,000 का आपने सट्टा खेला है सर। और सर देना बेटिंग के केस में रूल नंबर 31A कहता है, 31A इस पे 31B 31C नहीं लग रहे वैल्यूएशन रूल्स के, 31A कहता है क्या, जितना आपने बेट वैल्यू खेला है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू सप्लाई, और उस पे जीएसटी लगेगा बेटा। तो इसलिए 11,000 का हमने बेट खेला बेटा, इस पे 28% जीएसटी अलग से लगेगा बेटा। द अमाउंट फॉर सच बेट वॉज पेड बाय द मास्टर वॉलेट ऑफ प्लेयर ए, मास्टर वॉलेट से पे किया हमें कंसर्न नहीं है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा। हाउएवर ही लॉस्ट द बेट एंड हेंस द बेट अमाउंट ऑफ ₹11,000 विद एप्लीकेबल टैक्सेस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टू बैंक अकाउंट ऑफ बेट 180 बेटा। तो सर 11,000 प्लस उस पे जो जीएसटी था ये बेट के अकाउंट, बेट 180 के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बेटा। तो सर लग गए अपने ये 11,000 तो बेट के पैसे गए बेटा, प्लस 11,000 पर भाइयों 28% टैक्स अलग से और लगेगा 3080 सर, ये भी गया बेटा अपने अकाउंट से जीएसटी, क्लियर। लग गए बेटा अपने तो लूट गए, बर्बाद हो गए, फिर खत्म। प्लेयर ए ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टू हिज बैंक अकाउंट आफ्टर द अफोर्सेड ट्रांजेक्शन, अज्यूम ऑल द अबव ट्रांजेक्शन टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्लियर। तो बताइए अब सर कितना वॉलेट से इसने फंड अपने बैंक में ट्रांसफर किया होगा बेटा, सर देना बेटा। अगर कोई अमाउंट बच जाता है और अगर अपने बैंक में ट्रांसफर करते हो तो ऐसे केस में उस पर कोई जीएसटी रिफंड नहीं मिलता है बेटा। तो सर देखिए सर 10,000 में से करिए कैलकुलेट, देखो आपने से पूछा है क्या दो क्वेश्चन, कंप्यूट दी जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल कितना बेटा, ये 2188 जो ओरिजिनल 10,000 जब जमा कराया उस पर लग गया, और ये बेट पर आपने 3080 जीएसटी और पे किया। तो सर 2188 प्लस 3080 सर ये हो गया आपका क्या 5268 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या है 5168 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, 5268 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। ठीक है सर, गंदना यहां बच्चों ने गलती क्या करी है, बच्चों ने गलती यहां करी बेटा, 3080 नहीं लगाया, क्यों, उनको लगा हमारे वॉलेट में ऑलरेडी जीएसटी लग गया है, अब उसे कितने ही गेम खेल लो उस पे जीएसटी अलग से पे नहीं करना है। अरे अग्रीड, पर कितने ही गेम खेल लो बेटा या कैसीनो में खेल लो चलेगा, पर आपने क्या किया है सर, बेट लगाई है, और बेट ना तो आपका सर कॉइन से चिप से, नहीं आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग है बेटा। इसलिए इस पर रूल नंबर 31A की वजह से जीएसटी लगाया बेटा। अच्छा यही अगर बेट नहीं होता, यही होता है क्या, आपने उसी ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग थे बेटा उसमें कोई और गेम खेला होता बेटा ऑनलाइन, तो ऐसे केस में ये जो 3080 था वो नहीं लगता बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 रुपए आप टैक्स पे कर चुके हो बेटा।
और ये तो विनिंग अमाउंट है बेटा, विनिंग अमाउंट पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता बेटा, है ना। आई रिपीट, वापस सुनो ध्यान से मैंने क्या बोला बेटा, अगर यही बेट नहीं होता, यही अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग होता तो ये जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि आपने पूरे वॉलेट के अमाउंट पे ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया बेटा। ठीक है, चलिए सर का, अब देखिए सर ये तो हो गया 52368 जीएसटी का अमाउंट बेटा। ओके, 10,000 में से 2188 लेस करो, ठीक है, ये लेस ऐड करके जो अमाउंट आएगा दिस इज द, चलो कर लेते ना सर, 10,000 माइनस 2188 माइनस 2000 प्लस करो 10,000 जो जीत के ऊपर आपको पैसा आया बेटा, माइनस करेंगे वापस 11,000 माइनस करेंगे 3080 ले बढ़िया, बच गया लड्डू बेटा आपका, ले जाओ घर पे बेटा, कितना 1732 सर, इतना ही बचेगा, बैंक में ट्रांसफर करना, भारत माता की जय करना बेटा, क्लियर डन। थर्ड आंसर हमने ऑलरेडी बात करी थी कि रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसमें। आइए 15 सर, बिंदु सारा कमेंसेस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स लोकली विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इसने बिजनेस कमेंस किया बेटा, ही इज नॉट येट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर रीचेस रुपीज 8 लाख बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून, ठीक है। बिंदु सारा स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन टू सेल द गुड्स सप्लाइड बाय हिम विद इन द राजस्थान ऑन पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चलेगा बेटा ई वास्तु स्टोर बाय लिस्टिंग द गुड्स ऑन द सेट प्लेटफॉर्म, चलेगा बेटा सर, आप रजिस्टर्ड नहीं फिर भी चलेगा बेटा। ही अप्रोचेज यू टू फॉर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, बिंदु सारा विशेष टू कंटिन्यू हिज बिजनेस विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेटा, चलेगा सिंस इट विल एनहांस द कंप्लायंस बर्डन अंडर जीएसटी लॉ, सर अलाउ कर दिया इस बार बेटा, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई करो गुड्स तो भी जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं करता, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं करता, क्लियर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख एज द केस में बेचा, तब तक आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो कंपलसरीली बेटा। सर कैन ही सप्लाई द गुड्स थ्रू ई वास्तु स्टोर विदाउट ऑप्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम बेटा, यस वो विदाउट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता, पर कंडीशन क्या बेटा, वही कि आपको पोर्टल पे जाके अपने पेन बेस्ड एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा बेटा, सर आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, याद है बेटा एग्जामिनेशन की कंडीशन थी बेटा, वो कंडीशन लिखा नहीं आपको बेटा इसके अंदर। फिर डिस्कस द जीएसटी इंप्लीकेशंस इन केस बिंदु सारा सप्लाईज गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई वास्तु स्टोर, सर ऑलरेडी मैं जीएसटी इंप्लीकेशन बता चुका हूं आपको बेटा, क्या कि ये सप्लाई तो कर देगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, पर सर जीएसटी इंप्लीकेशंस इन केस बिंदु सारा सप्लाईज गुड्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई वास्तु स्टोर बेटा, तो सर यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहली बात जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन ई वास्तु स्टोर इसका लिस्टिंग लेगा, सबसे पहली बात उसको इंश्योर करना पड़ेगा ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करे, इसके पास एनरोलमेंट नंबर है जो पेन बेस्ड है बेटा, ठीक है। फिर ये सर ध्यान देना बेटा, TCS कलेक्ट नहीं करेगा, और जब अपना GSTR-8 फाइल करेगा तब इसमें जितने भी सप्लाई इस स्टोर वाले ने किए इसके थ्रू बेटा वो सब भी डिक्लेयर करेगा अपने GSTR-8 में बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, कुल मिला के ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, वेरी गुड। ड्यू टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन राजस्थान विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई, ए लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बिफोर द जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटीज ऑफ राजस्थान बेटा, राजस्थान में बिजनेस बंद हो गया, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज फाइल्ड ऑन June 30th, 2023, ठीक है साहब। द रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th June बाय द जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटीज। द फाइनल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वॉज डेटेड 31st July, ठीक है साहब। You are required to advise A Limited regarding the last date for filing of the final return by it in Rajasthan, beta. अरे final return का file करना पड़ता बेटा। Effective date of cancellation क्या था बेटा आपका? 30 June. या order of cancellation क्या था बेटा? 31 July. Whichever letter वहाँ से 3 महीने बेटा। हाँ है ना? Clear? तो सर whichever letter 31 July से 3 महीने देख लेना बेटा। मतलब August, September, October, 31st October बेटा। चलिए। Further A Limited was also registered as an ISD input service distributor in Rajasthan, बहुत बढ़िया। The said registration was cancelled with effect from 30th June, ठीक है साहब, with an order dated 31st July. Advise whether the final return is required to be filed upon cancellation of ISD registration by A Limited. If yes, what is the due date of filing the said final return? बेटा, sir ISD के respect में कोई final return file करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर। तो इसको नॉर्मल
जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पर एज एन आईएसडी इसको कोई फाइनल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आओ मालिक सरकार, क्वेश्चन नंबर 17, Zabrex रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ शाइन लिमिटेड एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी। सर अगेन अमेंडमेंट बेस्ड है बेटा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम हरियाणा टू अरेंज द डिस्प्ले ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ Zabrex न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट ऑन द होर्डिंग प्लेस इन मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र फॉर इनिशियल 3 months ऑफ द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा फर्स्ट 3 महीने के लिए इसको क्या करना है सर, एडवर्टाइजमेंट देना है बेटा। अब सुनना बच्चे ध्यान से, सिंपल सी बात यह है कि Zabrex कहा है बेटा, दिल्ली में बेटा। एडवर्टाइजमेंट कंपनी कहा है बच्चे, गुरुग्राम हरियाणा में बच्चा। इसने डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली है बेटा, क्लियर। इसने होर्डिंग रेंट पे नहीं लिया है, होर्डिंग रेंट पे नहीं लिया है बेटा, इसलिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो दे रहा है गुरुग्राम वाला पर्सन किसको, दिल्ली वाली कंपनी को, उसके लिए तो एडवर्टाइजमेंट कहां लगा उससे मतलब नहीं है। सिंपल सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 मतलब रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुरुग्राम में सप्लायर है, ये दिल्ली में बिल लिखेगा और बिल पे क्या लगाएगा बेटा, इंटरेस्टेड, इसलिए क्या लगाएगा आईजीएसटी। अब आगे देखना बेटा, शाइन लिमिटेड जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है इन टर्न एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ओनर ऑफ द सी साइड होटल लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र फॉर डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन द होर्डिंग प्लेस्ड इन लॉन ऑफ द होटल व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द गिवन केस। तो सर ध्यान देना बेटा, अब वो होटल वाले ने एक तरह से अपना स्पेस रेंट पे दिया है, सर सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज बेटा। तो सर होटल जो मुंबई का है उसके लिए मुंबई जहां होर्डिंग है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो होटल वाला जो बिल लिखेगा किसको, शाइन वालों को बेटा। होटल जो बिल लिखेंगे शाइन लिमिटेड को, वो क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा और उस पर सी और एस लगेगा बच्चा, क्योंकि वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां होर्डिंग लोकेटेड है, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा बच्चा। भारत माता की जय। शायद मजा आ रहा बेटा, शायद अमेंडमेंट लेक्चर्स, शायद अमेंडमेंट नोट्स और शायद वो अमेंडमेंट का रिविजन आपको हेल्प कर रहा है बेटा ये सारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने में बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट हेक्सा वॉज इंपोर्टेड बाय मिस्टर नारायण बाय एयर, ओके, डिटेल्स ऑफ द इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस आर एज फॉलोज बच्चा। चलिए एक बार पहले हम देख लेते हैं हमको आखिर निकालना क्या बेटा। दो द एयरक्राफ्ट अराइव्ड ऑन 24th ऑफ नवंबर, द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वॉज प्रेजेंटेड ऑन 20th नवंबर, ठीक है सर, देखते हैं लास्ट में देखिए बेटा। कंप्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हेक्सा फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग कस्टमरी एंड टोटल कस्टमरी एंड टैक्स पेबल बच्चा, मतलब कुल मिला के कस्टम के वैल्यूएशन का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा। आइए बच्चों, प्राइस ऑफ हेक्सा एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री 8000, फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द लोड एयरपोर्ट, एफओबी का पार्ट बनेगा बच्चा ये, सर लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द लोड एयरपोर्ट, एफओबी का पार्ट बनेगा बच्चा ये, पर ध्यान ना इनर कॉलम में कैलकुलेशन करना है इसकी बेटा। फिर फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया, एक्चुअल फ्रेट दे रखा है बच्चा, पर सर एक्चुअल एयर फ्रेट कैन नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स बेटा। पहले एफओबी निकालने के लिए और पॉइंट पढ़ लो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी क्या, इंश्योरेंस चार्ज 2000, बस इतना इन्फॉर्मेशन बेटा। तो सिंपल एफओबी का कैलकुलेशन होगा इनर कैलकुलेशन में 8000 प्लस 5000 500 प्लस 500 टोटल कितना हो गया बेटा 9000 इज द एफओबी वैल्यू बेटा, ठीक है। अब एक्चुअल फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कितना बेटा 5000 बचा, क्योंकि सर एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके इंडियन पोर्ट तक का कोस्ट देंगे, इंडियन एयरपोर्ट तक का कोस्ट कितना है 5000 ने बचा, ठीक है सर। टोटल कोस्ट है 5000, पर इसका मैक्सिमम हम 20% ही लेंगे क्योंकि बाय एयर आया है, इसका 20% कितना होता बेटा 1800, हाँ है ना। तो सर ध्यान देना बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स अब निकालते वक्त आपको ये वैल्यू लेनी बेटा, तो 8000 प्लस 1800, अरे हाँ है ना, ये तो वैल्यूएशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए बेटा। फिर 2000 रुपए इंश्योरेंस चार्ज, हाँ है ना मालिक, क्लियर। ध्यान देना यहाँ 9000 मत ले लेना बेटा, यहाँ 8000 ही आएगा क्योंकि ये जो 500 रुपए मानेंगे क्या ऑलरेडी 1800 में इंक्लूडेड है बेटा, ठीक है। ये हो गया क्या, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF,
मतलब 11,800 डॉलर इज द सी आई एफ वैल्यू आ गई बेटा। अब इसको INR में कन्वर्ट करेंगे, INR में कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC वाला बेटा, किस दिन का, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है। अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट क्या मतलब नहीं है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन का फाइल क्या है, 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर की डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC वाला 70, ठीक है, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। फिर रेट ऑफ ड्यूटी, अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट 24 नवंबर और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन व्हिच एवर इज लेटर, तो 24 नवंबर का रेट ऑफ ड्यूटी बेटा, मतलब 10% इज द बेसिक कस्टमरी ड्यूटी, फिर इस पे लगा देना सोशल वेलफेयर सरचार्ज और फिर IGST लगा देना 12%, बच्चा भारत माता की जय। ठीक है, ये हो गया कस्टम का वैल्यूएशन, आई होप मजा आया बेटा आपको। आइए, शिवांश लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर ₹180 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 ऑन पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ठीक है सर, ड्यू टू सम टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मशीन, द मशीन वॉज एक्सपोर्टेड सेंट बैक बेटा, याद आया बेटा, अब रिपेयरिंग के लिए बाहर भेजी बेटा आपने, टू द सप्लायर फॉर रिपेयर्स इन अक्टूबर, द मशीन वॉज री इम्पोर्टेड विदाउट बींग री मैन्युफैक्चरिंग और रीप्रोसेस्ड इन ऑगस्ट 2023 बेटा, मतलब अक्टूबर 2022 में भेजा, अगस्त वापस मशीन आ गई बेटा, विद इन 3 ईयर वापस आ गई विदाउट बींग री मैन्युफैक्चर्ड, तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग बेटा सर, याद आया बेटा, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज पे GST लगेगा बेटा, सिंस द मशीन वॉज अंडर वारंटी पीरियड रिपेयर्स वॉज कैरिड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाउएवर द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कैरिड आउट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹10 लाख वुड हैव बीन ₹5 लाख, तो सर 5 लाख प्लस 10 लाख जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन सच रिपेयरिंग था बेटा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट टू एंड फ्रो वो ₹5 लाख, मतलब 2.5 लाख ईच साइड, मतलब टोटल 5 लाख हो गया बच्चा बोथ वेज। सर द ऑनरशिप ऑफ द मशीन हैज नॉट चेंज, कितना हो गया बेटा 20 लाख इज द वैल्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस शिवांश लिमिटेड ऑन ऑन द कंसेशन इफ एनी अवेलेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ द मशीन आफ्टर रिपेयर्स, ऑल्सो स्टेट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द सच कंसेशन बेटा, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज, सर जो गुड्स गया था वही वापस इंडिया में आना चाहिए बेटा, क्लियर, गुड्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए बेटा, हाँ है ना, 3 साल के अंदर गुड्स आ जाना चाहिए बच्चा, क्लियर, और 1 साल में आ गया बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा अपने को, तो ऑल्सो कंप्लीट द कस्टम ड्यूटी एंड IGST पेबल इफ एनी, यस रेट ऑफ कस्टम वगैरह देगा बच्चा, भारत माता की जय। सर ये 20 लाख में कस्टम लगेगा कुल मिलाकर बेटा। आइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द RTB, सुधाकर एक्सपोर्ट हाउस मध्य प्रदेश इज एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस नेबरिंग कंट्रीज, बहुत अच्छी बात है बेटा, इट इज कीन ऑन बिकमिंग स्टेटस होल्डर, इसकी बड़ी इच्छा है कि मैं स्टेटस होल्डर बन जाऊं, एंड इज डिजायरस टू नो द प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू स्टेटस होल्डर अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू वेरियस स्टेटस होल्डर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द सेम विद रेफरेंस टू FTP, कुछ नहीं सर, स्टेटस होल्डर्स को जो प्रिविलेजेस है वो लिख के आने हैं, इसी के साथ भारत माता की जय, सिंपल सा क्वेश्चन था, और सर आई होप ये पूरा RTP भी आपको समझ में आया, आई होप सर पूरा RTP के जो कुछ पॉइंट बड़े अच्छे थे, जैसे वो बैट वैल्यू वाला बेटा पॉइंट, फॉर्चून 365 वाला बेटा, क्लियर सर, स्टार्टिंग के जो केस स्टडी बेस्ड MCQs थे बेटा वो, फिर एक 14 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन था उसमें सर प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करने वाला जो पॉइंट था वो बेटा वो, क्लियर, और एक दो पॉइंट इसके अंदर बड़े अच्छे थे बेटा, आई होप समझ में आए, पर हाँ वो टफ नहीं थे, वैसे भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लेक्चर के अंदर हमने किए हुए थे बेटा, आपने भी प्रैक्टिस किए होंगे बेटा, आई होप समझ में आया होगा बेटा, एंड आई होप RTP में जहाँ जहाँ आपको कुछ डाउट आ रहे थे इसके इस लेक्चर की वजह से सारे सॉल्व हो जाएंगे, एंड हाँ सर मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया वैसे शुरुआत में, सर ये RTP का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो अमेंडमेंट का रिवीजन लेक्चर मैंने अपलोड किया यूट्यूब पर वो जरूर देखिएगा सर, अपने सारे दोस्तों को मैं शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपके 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज मिल जाए बेटा, ठीक है, 4-5 पॉइंट 5-6 पॉइंट इनफैक्ट मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में बेटा आपको, ऑल द बेस्ट गाइज, माहौल जबरदस्त शानदार, ध्यान देना बच्चा, अभी लगभग लगभग सर एग्जाम में 20 दिन बाकी है इंडियन टैक्स एग्जाम में बेटा, ठीक है, मैंने 20 दिन पहले ही आपको बता दिया कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने, जो अमेंडमेंट के रिवीजन लेक्चर में बताया मैंने आपको बेटा, तो मस्त होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड यस आपकी सफलता के लिए हम जुझारू है, वी ऑल आर विथ यू गाइज, ऑल द बेस्ट, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, बनाए रखिए अपना कॉन्फिडेंस, हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम, भारत माता की जय।